गाइस यहाँ पे भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम को। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लगा, मतलब हर एक कंपनी को ऐड करना चाहिए। आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, ज़रूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्राउन की से वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन। डेफिनेटली यहाँ पे ये फीचर मेरे को काफ़ी कमाल का लगा, इसका वाइब्रेशन फीडबैक मिल रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर सकते हो थ्रू दिस स्लाइडर की, मतलब ये जो क्राउन की है। मज़ा आ जाएगा, इससे खेल सकते हैं ऐसे करके, करके आवाज़ आ रही है, काफ़ी अच्छा है। कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हो और वापस से फ़ोन में भी, वॉच पे भी ले सकते हो। तो गाइज कैसे हो आप सब, आज हम कमाल का रिव्यू लेके आए हैं। मेरे ख्याल से YouTube पे नहीं मिलेगा आपको बीट एक्सपी मार्व सेंस का, एकदम से आई Flipkart पे, अभी बिग बिलियन डे सेल पे आई थी और एकदम से यहाँ पे किसी ने भी इसको बाय नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आप सभी की फरमाइश पे इसको बाय कर लेते हैं और रिव्यू करते हैं। यस, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। वैसे अगर आप इस तरीके के न्यू वॉचेस, न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्चेस का रिव्यू चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और बहुत ही जल्दी गिव अवे आने वाला है, 40K सब्सक्राइबर पे हम गिव अवे स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले 30K सब्सक्राइबर किया था हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में आप भाग लेने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, जितने मैं वीडियो डालूँ सबको आपको शेयर कर देना है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक। और यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉक्स मिल जाता है, 999 रुपीज़ के एक लूट डील पे मिल रही है आपको ये, वो भी चेन वाला स्ट्रैप। गाइस आपको मार्केट में सिंगल एक वॉच नहीं मिलेगी, आप सर्च कर लो 1000 रुपये के प्राइस पर जो कि चेन वाला स्ट्रैप लेके आए। अब मुझे तो लग रहा है ये बीट एक्सपी मार रेज का ही, मतलब इसमें रीब्रांड करके जो चेन वाला स्ट्रैप है इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, मेटल की है, पॉलीकार्बोनेट है। तो यहाँ पे गाइस आपको दो चीज़ मिल जाती है, किधर मिल जाती है और आपको इधर मिल जाती है, तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये है, ओके, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा वो आ रहा है, इसका हैवी भी है, बॉक्स भी हैवी था, ओके गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा, यहाँ पे देखते हैं इसमें स्टिकर्स मिलते कि नहीं, बीटेक्स भी देती है मैक्सिमम में, तो इसमें भी इंक्लूड किए हैं नए वाले स्टिकर, तो गाइस ये डेफिनेटली नए वाली पैकिंग के ही हैं। और यहाँ पे एक चार्जिंग केबल आती है टिपिकल सी नॉर्मल। अब गाइज मेन वॉच पे आते हैं, तो गाइज काफ़ी हैवी वॉच है, और यस गाइज ये हमारी वॉच क्राउन की वर्किंग है, यस क्राउन की भी वर्किंग है, टक टक की आवाज़ आ रही है। ये गाइज पॉलीकार्बोनेट है, साफ पता चल रहा है, मेटल का देना चाहिए था इनको, ये इन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ पे ये स्ट्रैप की क्वालिटी तो ज़बरदस्त लग रही है गाइज, ये देखो, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रैप क्वालिटी, मतलब जैसी पेबल देता है ना उससे तो खासकर काफ़ी ज़्यादा बेटर है, पेबल तो बेकार ही देता है स्ट्रैप की क्वालिटी। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, लास्ट मीडियम इसके लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसकी डिस्प्ले बड़ी मिलती है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है। 1.96 इंच की लार्ज HD डिस्प्ले मिलती है, 60Hz का UI मिलता है इसमें आपको, 2.5D कर्व ग्लास है, और यहाँ पे आपको ये पॉलीकार्बोनेट है, पीछे ही पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, और ये चेन 22mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो। तो गाइस लुक और फील तो काफ़ी कमाल का आ रहा है इस वॉच का, देख सकते हो आप, थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू आप चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। एंड गाइज इस तरीके के रिव्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है, ठीक है। और साथ ही में हमारा हाँ एक चैनल और हमने खोला है व्हाट्सएप पे, उसको भी फॉलो करना मत भूलना। तो आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से बैटरी नहीं है, चार्ज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सो यस गाइज यहाँ पे थोड़ी सी चार्ज हो चुकी है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बीट एक्स पी आ चुका है लिखा हुआ, और गाइज यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हो ऊपर की साइड से तो कम है, वैसे नीचे की साइड से ज़्यादा चेन मिलती है, और UI पूरा न्यू दिया गया इसके अंदर, इस तरीके का मिलता है आपको। और यहाँ पे कॉलिंग कनेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, वाटर लॉगआउट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है आपको इस तरीके से, और ये क्राउन की यहाँ भी वर्क कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, बट उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें, देखो इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, D&D मोड भी है, एडिट भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे टॉर्च वाला ये वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे विजिट्स को आपको ऐड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे रिंगटोन ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे कनेक्टिविटी शो करता है, टॉर्च लाइट में जाती है, इस तरीके से डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, इवन बीट एक्सपी रेज से बेटर लग रही है यहाँ पे। और रेज टू वेक यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स बढ़ा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है वॉच की डिस्प्ले, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू भी मिलता है, एक बार आई वॉच वाले में चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे, ओके स्मूथ है डेफिनेटली, यहाँ पे इस तरीके से ये भी काम करता है प्रॉपरली, तो ये सही है।
अब यहाँ पे हम डबल टैप से क्या चेंज कर सकते हैं मेन्यू को? नो, आपको वहीं से चेंज करना पड़ेगा इधर से जाके। तो लिस्ट वाला हम कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में आपको प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पे कंपोनेंट एडिटिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट मैसेज, ब्राइट मतलब जब कॉल मैसेज आएगा तो वॉच अपने आप ऑन हो जाएगी, मतलब लाइट अप करेगी डिस्प्ले। डेट फॉर्मेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलता है, ऑन ऑफ कर सकते हो, रिंग वाइब्रेशन मतलब रिंग वाला ऑप्शन ऑफ साउंड यहाँ पे। और साथ में थीम्स का ऑप्शन तो मैंने आपको चेक कराई दिया, अप टू 5 थीम्स मिल जाती हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे डायल सेटिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पे डायल आपको 6 मिल जाते हैं बेसिकली। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी अट्रैक्टिव मिलते हैं डायल। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला, इसके बाद वाला, ये वाला तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलर वो कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी इसकी वजह से यहाँ पे ठीक लग रहा है डिस्प्ले। लो पावर मोड में जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक्सट्रीम यूजेस मतलब बता रहा है जो भी है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप आपका 5 से 6 घंटे चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये एमोलेड पैनल नहीं है। यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे आप प्रॉपर्ली कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डिसेंट, उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट हिंदी सपोर्ट आई थिंक यहाँ पे नहीं है। सिस्टम है अबाउट है दैट सेट, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की वो शो करता है यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉकिंग कर लेते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है। यहाँ पे मेरे पास नथिंग की वॉच भी है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज इसमें भी चेक कर लेते हैं, इंडोर वॉक 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे भी। सो 50 स्टेप्स मैंने चले थे, यहाँ पे 38 दिखा रहा है, इसको ज़्यादा ही कम दिखा रहा है, और यहाँ पे मैंने देखो 58 दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है यहाँ पे, हार्ट रेट यहाँ पे रेड एक्सन ग्रीन एक्सन सेंसर चल रहा है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका टेलीफोन म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, म्यूज़िक सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते वो भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन है, स्लीप मॉनिटर कर सकते हो। उसी के साथ साथ AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट तो हमने देखी ली, BP मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए यहाँ पे फालतू का दे रखा है, जो कि ब्रीथ ट्रेनिंग है। अलार्म मिल जाता है यहाँ पे, अलार्म आप सेट कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इस UI में ये ऑप्शन मिल जाता है। SPO2 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, वैसे डेडिकेटेड सेंसर डेफिनेटली है इसमें। टाइमर है, स्टॉप वॉच है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी, कैमरा शटर है, गेम भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थोड़ा सा रॉक द मोल वाला टाइप का जो गेम आता था वो वाला मिलता है, एक गेम मिलता है बेसिकली इसमें। QR कोड यहाँ पे आप स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है आपको इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो फीचर्स तो सारे के सारे हैं, कैलकुलेटर, गेम, वॉइस असिस्टेंट सब कुछ है, और स्मूथ डिस्प्ले भी है क्योंकि 68 का UI मिलता है। बट गाइस इतना पॉलिश नहीं है डिस्प्ले इसका, मतलब UI इसका डिस्प्ले अच्छा है, UI इसका उतना पॉलिश नहीं है। रेज का मेरे को बेटर लगा था इसका, जो बीट XP की मार रेज थी। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसको एप्लीकेशन से पेयर करते हैं और आगे की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं इस वॉच की। बेसिकली बीट XP ट्रैक से ये पेयर नहीं होगी, बीट XP एक्टिव से पेयर होगी बेसिकली, आपको ये ध्यान रखना है। ओपन कर लेते हैं इसको, तो उस तरीके से ही यहाँ पे लोगो आ रहा है, सब कुछ इसमें सेम आ रहा है उस तरीके से ही। और इसमें आपका लॉगिन नहीं करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे पेयर हो जाएगी वॉच ही इससे। यहाँ पे ये रिंग ऐड करते हैं यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉचेस ले रहा है, बट हमको ये वाली पेयर करनी है, ये रिमार्क सेंस आ चुकी है तो इसको हम पेयर करते हैं। यस, पेयर हो चुकी है, और ये वाइब्रेशन फीडबैक आएगा और ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएगी। डिस्कनेक्ट दिखा रही है, बैटरी नल, अभी बैटरी दिखाएगा इसमें, फिलहाल तो नहीं है। कॉल अलर्ट यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, कनेक्टेड तो दिखा रहा है बट बैटरी का पता नहीं क्यों। मैसेज नोटिफिकेशन यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, इसको आपको एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है, बीट XP एक्टिव करके एप्लीकेशन को यहाँ पे, देन ओनली यहाँ पे सारी की सारी परमिशन जो है आपकी आ जाएंगी। और SMS नोटिफिकेशन जो भी है सब कुछ आपका यहाँ पे शो करेगा, अदर सॉफ्टवेयर का भी आप अलाउ कर सकते हो। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच रिंग करती है प्रॉपर, डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है आपको यहाँ पे। उसके बाद टेक पिक्चर्स का ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पे, शटर बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको, इस तरीके से आप पिक खींच सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका फाइंड डिवाइस का ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया, वेदर फॉर्मेट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो ले लिया होगा मेरे ख्याल से वेदर इसमें, यस यहाँ पे ऑलरेडी ले चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे यूनिट सिस्टम है, टाइम फॉर्मेट है, मोर पे चलते हैं यहाँ पे, मोर पे रिबूट दरी वैसे फैक्ट्री सेट है। अब गाइस यहाँ पे वॉच फेस का अलग से सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे वॉच फेस मिल ही नहीं रहे हैं, आई थिंक नेट कनेक्टेड है कि नहीं चेक कर लेता हूँ, नेट तो कनेक्टेड है, उसके बावजूद यहाँ पे वॉच फेस नहीं दिखा रहा है इसमें, आई थिंक मेरा नेट स्लो होगा मे बी। यहाँ पे डिजिटल पॉइंटर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे अपने पिक का वॉच फेस यहाँ से आप चूज़ करते हैं, चेक करते हैं, ये रहा देखो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो इस पिक को लगा के देखते हैं यहाँ पे, ये रही ड्रॉप करते हैं,
अब यहाँ पे इस तरीके से लग चुकी है, ठीक है। डिजिटल पॉइंटर आप चूज़ कर सकते हो, कैसा आपको लगाना है। डिजिटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेव करते हैं। तो आई थिंक वॉच फेस में कुछ इशू लग रहा है, यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा है ना, इसमें कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, यहीं पे अटका पड़ा है एक्चुअली, ये लग नहीं रहा एक्चुअली। टाइम ज़्यादा ले रहा है, ऊपर से यहाँ पे लग नहीं पा रहा है। चलिए गाइस यहाँ पे हम कॉलिंग वाला चेक कर लेते हैं फीचर, कितनी लाउडनेस क्या मिलती है और कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि इसमें डबल चिप कनेक्टिविटी मिलती है मेरे ख्याल से। देख सकते हो यहाँ पे, वही मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, मार्व सेंस करके, तो डबल चिप कनेक्टिविटी मिलती है, सिंगल नहीं मिलती। इसमें आपको सेकंड प्रोफाइल पेयर करनी पड़ेगी। कनेक्टेड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या इशू है। कॉलिंग वाला कनेक्ट किया मैंने, ओके अब कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आ चुकी है, 50% बैटरी शो कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, कॉल मिला के देखते हैं, ठीक है। कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे ये रहा, लाउडनेस ठीक है, यहाँ पे फुल है, और लाउडनेस आप इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हो गाइस। एप्पल वाला पूरा लुक, ये तो काफ़ी कमाल हो गया। डेफिनेटली यहाँ पे ये फीचर मेरे को काफ़ी कमाल का लगा, इसका वाइब्रेशन फीडबैक मिल रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर सकते हो थ्रू दिस स्लाइडर की, मतलब ये जो क्राउन की है, मज़ा आ जाएगा इससे खेल सकते हैं ऐसे करके, करके आवाज़ आ रही है, काफ़ी अच्छा है। कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हो और वापस से फ़ोन में वॉच पे भी ले सकते हो। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, हर एक ब्रांड को करना चाहिए ऐसा, मतलब ये क्राउन की से वॉल्यूम अप डाउन करने का वाला ऑप्शन। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट चेक करते हैं। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, डेफिनेटली बता रहा है। वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरीके से, मिल जाता है, ठीक है। ये तो की सारी सारी चीज़ें, अभी काम करते हैं, सॉन्ग सुन के देखते हैं वॉच में सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। यस सुन सकते हो गाइस, कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो चेक करते हैं। यस नाम भी शो कर रहा है, कंट्रोल भी कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छी बात है। ओके गाइस यहाँ पे भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम को, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लगा, मतलब हर एक कंपनी को ऐड करना चाहिए। आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, ज़रूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्राउन की से वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन। तो ये काफ़ी तगड़ा फीचर है डेफिनेटली। अब ये तो होगी सारी सारी चीज़, अभी काम करते हैं कॉल में लाके देखते हैं दूसरे फ़ोन से यहाँ पे रिंग करता है या वाइब्रेट करती है वॉच, या नाम आता है नंबर शो करता है। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ ऐड करनी थी, कितने आप कॉन्टैक्ट को इसमें सेव कर सकते हो, वो हमने चेक नहीं किया था। फाइंड डिवाइस यूनिट फॉर्मेट मोर का ऑप्शन देखने मिलता है, मोर में फैक्ट्री सेट अबाउट है दैट्स इट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पे हम चेक करते हैं कितने कॉन्टैक्ट पे चेक करते हैं, अनकनेक्टेड दिखा रहा है इसमें। कॉल अलर्ट ऑन, स्मार्ट रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मेरे को कहीं मिल नहीं रहा एक्चुअली। एक बार ट्राई करते हैं ये वाला, अपने पिक को एज अ वॉच लिस्ट लगाने का ऑप्शन, तो आई थिंक ये हो नहीं रहा है, इसमें जो ग्लिच है वो चल रहा है एक्चुअली, जो आपकी पिक एज अ वॉच लिस्ट नहीं लग पा रही है, ठीक है। यहाँ पे गाइस मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ भी इसमें, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन दिख रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ से, तो वही है गाइस यहाँ पे कहीं भी वो ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉल मिला के देखते हैं दूसरे फ़ोन से रिंग करता है या, मतलब रिंग वाइब्रेट का ऑप्शन तो होगा, बट यहाँ पे नाम आता है नंबर आता है वो चेक करते हैं। ये भी कुछ ग्लिच है इसके अंदर, रिंग बज रही है बट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्लो है कहीं ना कहीं, शो ही नहीं कर रहा है इसमें, ये ग्लिच है गाइस इसके अंदर, पता नहीं क्या है। ये तो दिखा रहा है मैसेज नोटिफिकेशन, बट अगेन गाइस वो है ही नहीं जो चाहिए था एक्चुअली, मतलब कॉलिंग वाला समझ नहीं आ रहा है इसमें, कुछ इशू लग रहा है मेरे को। अभी काम करते हैं हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ इस वॉच के लिए, मैंने हाथ पे पहन लिया, अब ऑक्सीमीटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर भी वेयर कर लिया, यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका है, 100 दिखा रहा है स्पीड, हार्ट रेट हमारा 75 शो कर रहा है, ठीक है। इसमें 83 दिखा रहा है और इसमें हमारा 75 दिखा रहा है, 76। इसमें चेक करते हैं जाएगा कि नहीं नीचे,
तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट रेट की एक्यूरेसी को तो मैच कर रहा है डेफिनेटली। अब गाइज यहाँ पे एस पी ओटू चेक कर लेते हैं। वैसे एस पी ओटू के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को कि आप वॉच से चेक करें, मैं हर एक वीडियो में बोलता भी आप सभी से 1000 रुपये की वॉच में आप कुछ भी चेक नहीं करें मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सिर्फ लुक के लिए है और नॉर्मल कॉलिंग के लिए। देखो गाइज ये चीप सी कह सकते हो यूआई मेरे को ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फीचर काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन गाइज चाइनीज़ कॉपी चाइनीज़ वॉच को किसी को रिब्रांड करके यहाँ पे नाम चिपका के बस पूछा जा रहा है, दैट्स इट। आई नो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी ये करती है, मैं बीट एक्सपी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनी करती हैं ऐसा, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे इससे बेटर आपको बीट एक्सपी की अदर वॉचेस मिल जाएंगी। बीट एक्सपी वेगा काफ़ी कमाल की वॉच है, टॉप की वॉच बन जाती है। बीट एक्सपी वेगा एक्स काफ़ी टॉप की वॉच बन जाती है। बीट एक्सपी मार्व रेज, मार्व नियो, मार्व एस इससे काफ़ी बेटर है गाइज 1000 रुपये में। बस आप अगर लुक्स के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इसको, बट अगेन गाइस इसमें बहुत सारे ग्लिच हैं, एप्लीकेशन भी इसकी डिफरेंट है, अपडेट करने की जरूरत है एप्लीकेशन को, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है वॉच को। वैसे प्रीमियम फील तो है डेफिनेटली, आपके हाथ पे कोई देखेगा तो लग नहीं रहा ये 1000 रुपये की वॉच है, ये डेफिनेटली लग रही है 5000 रुपये की वॉच। बट अगेन गाइस जब चल ही नहीं रही सही से तो मैं क्या करूँगा इस तरीके की, डबल चिप कनेक्टिविटी के साथ वॉच मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, अच्छी बात है, बट अगेन गाइस थोड़ा सा इनको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में इंप्रूव करना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है, मतलब ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का आपको मिलता है जो स्ट्रैप है इसका, बट अगेन गाइस थोड़ा सा ध्यान दिया तो अगर बीट एक्सपी मार्वेज वाला भी यही होता ना तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट कर लेता। और एक चीज़ में यूनिक है जो कि अदर वॉचेज आपको 1000 रुपये में कभी नहीं दे सकती और नहीं दे रही है अभी फिलहाल, वो है यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन यहाँ से, ये मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा ठीक है इसका। तो ये था एक डिप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग बीट एक्सपी मार्व सेंस का, इससे बेटर आप मार्व एस या मार्व रेज या मार्व नियो ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी 1000 में, वो भी मिल जाती है अभी ऑन ऑफर मिल रही है ठीक है। मार्व एस तो आपको आई थिंक 799 में मिल रही है ठीक है। तो गाइस ये थे डिप डाउन कंपैरिजन, अगर आपका रिव्यू बेसिकली, अगर आपका क्वेरी वॉच रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।